हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पीटीसी क्रू पैरामेट्रिक में डेटम टैब के अंदर जो टूल्स आते हैं उनका यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लेन का, इसके बाद एक्सिस पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आप स्केच का यूज तो करते ही हैं। स्केच को जानते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। स्केच बनाने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। प्लेन एक्स और वाई डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और एक फ्लैट जगह होती है, ठीक है, एकदम फ्लैट सरफेस होती है, तो उसे प्लेन कहते हैं। प्लेन का ना कोई मास होता है, ना कोई वेट होता है, और ना कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है 3D ज्योमेट्री में। बस ये हमें 3D ज्योमेट्री बनाने में हेल्प करता है, तो इसे प्लेन कहते हैं। अब ये तो प्लेन होता ही है, इस पर तो स्केच बना ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी फ्लैट जगह मिल जाए, जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर भी आप स्केच बना सकते हैं, ठीक है। जूम करके आप यहाँ पर भी स्केच बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस जगह स्केच नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड, और ये फ्लैट नहीं है, ये देखिए ऐसे घूमा हुआ है। सेम ऐसे ही इस जगह भी आप स्केच नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट जगह नहीं है। तो हर एक फ्लैट जगह को आप प्लेन एज ए एज्यूम कर सकते हैं और वहाँ पे स्केच बना सकते हैं। तो इसमें सीखेंगे हम और एडिशनल प्लेन कैसे बना सकते हैं, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट तीन प्लेन के अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कैसे बनाएंगे उनको। देखिए, हमने हमारे पास जो सबसे इसको अगर यहाँ लेके जाते हैं तो आप पाएंगे तीन प्लेन है हमारे पास। इस प्लेन में सबसे पहले हमने बड़ा वाला डिस्क बनाया, फिर इस शाफ्ट को यहाँ तक एक्सट्रूड किया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी इस प्लेन से कुछ दूरी पे ये वाली डिस्क बनाने की, तो अब ये डिस्क हम कैसे बनाएंगे। इस डिस्क को बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा इस जगह पे, और जब वो प्लेन क्रिएट कर लेंगे तो हम इस डिस्क को आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं प्लेन में। प्लेन में जैसे ही आएंगे हमें पूछेगा रेफरेंस सिलेक्ट करिए, तो हमने इस प्लेन को एज ए रेफरेंस सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑफसेट के साथ साथ और कई ऑप्शन हैं जिनको हम अभी बता रहे हैं। तो ऑफसेट का मतलब होता है, सबसे पहले इस साइड लिखे दे रहे हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का मतलब होता है दूरी, ठीक है, ये दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस में या एंगल में। एंगल भी हो सकती है और डिस्टेंस भी हो सकती है। तो अभी हम ऑफसेट लिया, तो अब ये पैरेलल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैल्यू, यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो जितनी दूरी पे चाहिए हम यहाँ से वहाँ तक उतनी डिजायर्ड दूरी पे इस प्लेन को ऐसे बना लेंगे और वहाँ पे ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो ये प्लेन मिल गया, और इस प्लेन पे हम एक स्केच करके 3D डिस्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो हमने ये डिस्क बना ली। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी इस डिस्क को बनाने की, तो ऐसे इस डिस्क को भी बनाएंगे, और फिर ये बीच में जो आपको एक की होल दिख रहा है ना, एक की लगाने के लिए एक थोड़ा सा कटा हुआ ग्रूव दिख रहा है, इसको भी बनाएंगे। तो हम दिखाते हैं सब कैसे बनेंगे। तो अगर यहाँ पे ये जो इंसर्ट है इसको पकड़ के ऊपर की ओर ये नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे थोड़ी देर के लिए ये सारे ऑप्शंस को डिलीट किए दे रहे हैं। कमांड से बाहर चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले एक प्लेन का ऑप्शन लेंगे, ऑफसेट करेंगे, और अपने डिजायर्ड डिस्टेंस पे आने के बाद वो एक प्लेन बना लेंगे। तो ये प्लेन बन गया, इस प्लेन पे हम एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हुए चलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है, और जितना यहाँ पे एक्सट्रूड करना है हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमने एक्सट्रूड कर लिया। सेम यही फंक्शन फिर से हम इस प्लेन से ले सकते हैं उस प्लेन की डिस्टेंस, या यहाँ से भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखिए, पहली बार जो हमने प्लेन बनाया उस प्लेन को हमने नीचे वाले प्लेन से लिया, तो जहाँ तक हो सके आप
इन प्लेन से रेफरेंस लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये प्लेन मूव नहीं करते तो ये रेफरेंस इसके साथ मूव नहीं करेगा। अगर बाय चांस आपने इस प्लेन के साथ रेफरेंस लेके एक प्लेन बनाया, ठीक है, सपोज दैट हमें यहाँ पे 150 पे एक प्लेन चाहिए, 150 पे प्लेन बना लिया और इस पे एक डिस्क बना के हमने एक्सट्रूड भी कर ली उसको, ठीक है। इसको हमने एक्सट्रूड कर लिया कितना 25 और ओके, ये बना लिया। अब देखिए ये वाला जो प्लेन है इस सरफेस से इसकी डिस्टेंस है, इस फेस से इसकी डिस्टेंस है, तो बाय डिफॉल्ट अगर इस प्लेन को कभी आपने एडिट कर दिया और इसको आगे लेके चले आए, ठीक है, इसको टोटल हमने 90 कर दिया एक्सट्रूड करके और ओके कर दिया, तो ये वाला भी प्लेन इससे जितने डिस्टेंस पे था वो आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये 150 डिस्टेंस पे था तो यहाँ से 150 डिस्टेंस आगे आ गया, ठीक है। तो देखिए इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़े कि इस प्लेन से हमेशा 150 डिस्टेंस पे रहेगा तो यहाँ से लीजिए, या फिर अगर इस प्लेन से हमेशा ही 150 रहेगा तो इसका रेफरेंस इस प्लेन को दीजिए, ठीक है। तो हम अभी इसको फिर से चेंज किए दे रहे हैं एडिट, और यहाँ से जाके इसको 25 किए दे रहे हैं, ओके। तो ये हमने बना लिया, तो इस प्लेन से ये प्लेन 150 डिस्टेंस पे, अगर ये आगे को आएगा तो ये भी आगे को आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए अब हमें एक ऐसा प्लेन की ज़रूरत है जो इस प्लेन और इस प्लेन के एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे रहे, तो ऐसा करने के लिए अब हमें दो रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेन लिया हमने, इस प्लेन को एज ए रेफरेंस दिया, तो अब जब एक रहेगा तो ऑफसेट रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस जाएगी, लेकिन जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ इस प्लेन को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक मिड प्लेन आ गया। तो यहाँ पे आपने दो ऑप्शन देख लिया, ऑफसेट भी देख लिया, मिड प्लेन भी देख लिया, और तीसरा ऑप्शन पैरेलल देख लिया, यानी ये प्लेन इन दोनों प्लेन के हमेशा पैरेलल रहेगा। अब ये एंगल में नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, एंगल का मतलब ऐसे घूम नहीं सकता, हमेशा पैरेलल रहेगा, और ओके कर दिया, तो एकदम सेंटर में बीचों बीच बना है, और यहाँ पे आप चाहें तो एक्सट्रूड कर सकते हैं की बनाने के लिए। और ओके, ठीक है, यहाँ पे रिमूव मटेरियल और बोथ साइड, ओके, ये देखिए की बन गया है यहाँ पे। तो ऐसे हमने प्लेन का यूज करके हमने देख लिया, यहाँ पे ऑफसेट देख लिया, मिड प्लेन देख लिया और पैरेलल देख लिया, इतने ऑप्शन देख लिए। अब और भी ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जैसे प्लेन लेते हैं कोई अगर रेफरेंस देते हैं तो और ऑप्शन आते हैं, थ्रू आता है, नॉर्मल आता है, तो थ्रू देखते हैं इसका यूज क्या होता है। इसका यूज दिखाने के लिए हमारे पास दूसरा ड्राइंग है जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ये ऑब्जेक्ट बना है और एक प्लेन बनाया गया है, ये देखिए रोटेटेड घुमा के प्लेन बनाया गया है। तो अभी तक हमने देखा पैरेलल ऑब्जेक्ट, यानी उसके 90 डिग्री पे प्लेन पैरेलल बन रहा है, ठीक है। अब प्लेन एंगल में बनाना है, 45 30 ऐसे बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने एक प्लेन लिया, इसके बाद इस प्लेन को एज ए रेफरेंस दिया, या किसी को भी आप दे सकते हैं, इस प्लेन को भी एज ए रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट ऑप्शन रहे, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ऑफसेट रहे। ऑफसेट में दो चीज़ें होती हैं, एक एंगल होता है, दूसरा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस देख लिया, इस प्लेन से डिस्टेंस में बनना है, एंगल कब आएगा, इस ऑप्शन के साथ साथ अगर कोई एज आपने सेलेक्ट कर ली, ये वाली एज सेलेक्ट कर ली, तो इस एज के साथ वो थ्रू रहेगा ऑप्शन, थ्रू का मतलब इस एज से होता हुआ हमेशा जाएगा, ठीक है, तभी इसके ऑफसेट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल, ठीक है, जितना एंगल रखना हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते एकदम एग्जैक्ट यहाँ से गुजरे तो उसके लिए आपको 315 एंगल देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, अगर इनमें से कोई एक रेफरेंस को हटाना है तो राइट क्लिक करके रिमूव उसको या फिर रिमूव ऑल कर दीजिए। तो एक थ्रू हो गया, अब हम डायरेक्ट इस एज को सिलेक्ट करते हैं, तो इस एज के थ्रू जाता है। फिर इसके साथ साथ
कंट्रोल के साथ इस एज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने दो एज सिलेक्ट कर ली, दोनों एज के थ्रू जा रहा है, तो प्लेन ऑटोमेटिक इसके सेंटर से होता हुआ जाएगा। ये धीरे धीरे ये बात आप समझ जाएंगे, जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग को समझ आ जाएगी कि काम कैसे करता है, तो ये बातें समझ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे देखिए, आपके पास एक ये प्लेन है, ठीक है, एक बोर्ड है आपके पास। इस बोर्ड को यहाँ पे एक छोटा सा कटा हुआ स्लॉट है और एक यहाँ पे कटा हुआ स्लॉट है। जैसे देखते नहीं, किसी पटरे को फिट करना होता है, ट्रक के पीछे फिट करते हैं ना पटरे, पटरे ऊपर और उसको बंद कर देते हैं। ट्रक के पीछे कई पटरे लगे होते हैं ना बंद करने के लिए, तो उस प्लेन को उस ग्रुप में डाल दिया तो हिल डुल तो सकता नहीं, डायरेक्ट उस पर आके ऐसे अटक जाएगा। तो वही ऑप्शन हुआ यहाँ पे थ्रो का, यानी इससे होता हुआ ही जाएगा। जब इससे होता हुआ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेंटर से जाएगा, बीचों बीच होता हुआ, और ओके कर दीजिए। तो ऐसे हमने बना लिया ये प्लेन, ठीक है। तो इधर तो हमने बना लिया था, इस साइड, जैसे इस साइड आपको बनाना है एक प्लेन, तो इधर भी ऐसे बना लीजिए, प्लेन लीजिए, इस ऑप्शन को लीजिए और इस ऑप्शन को दोनों कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करिए, तो दोनों में थ्रू हो गया, ऑटोमेटिक प्लेन बन गया ऐसे, ठीक है। और इस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे रिप लगा सकते हैं, ये हमने रिप लगाई थी। तो अब हमने देख लिया, प्लेन थ्रू भी देख लिया। अब देखेंगे मिड परपेंडिकुलर देखेंगे कैसे यूज करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उससे 90 डिग्री पे जाएगा। अगर सपोज दैट आपने कोई एज सेलेक्ट की है, तो एज से 90 डिग्री पे, नॉर्मल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल नाम लिख के आता है, तो नॉर्मल यानी वो देखिए एज के नॉर्मल हो गया कि नहीं, 90 डिग्री पे हो गया। और इसके साथ साथ एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट से होके गुजरेगा, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे तो इससे होके गुजरेगा, ओके कर दीजिए, तो वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल बनता है किसी के प्लेन। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, एक प्लेन मैक्सिमम 3 पॉइंट से ही होके जा सकता है, तो एक प्लेन को गुजारने के लिए मैक्सिमम 3 रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया और इस पॉइंट को ले लिया, तो इन 3 पॉइंट से होता हुआ एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। वो प्लेन कैसा बनेगा यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे प्लेन बन के जाएगा, तीनों के थ्रू रहेगा। तो ये हो गए तरीका प्लेन बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा समझ में आया कि प्लेन का यूज कब, कहाँ और कैसे करते हैं। और इस वीडियो के अंत में, जब भी हम पार्ट मॉडलिंग में जो वीडियो जिनमें प्लेन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनको देख के समझ जाएं कि फाइनली हम किसी प्लेन को नई जगह पे कब बनाएंगे और उसका क्या यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से तो लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए।